गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है संधि। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। तो देखिए, संधि किसे कहते हैं? वर्ण नाम मेल नाम संधि है, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो समीपवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संधि। तो अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। क्या होता है? वर्ण क्या होता है? वर्ण, देखिए, वर्ण वर्ण बोलने से इसका अर्थ है अक्षर। अब बोले हुए अक्षर क्या है? तो बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। इसको बोलते हैं ध्वनि चिन्ह, या बोल सकते हैं हम लोग इसको शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई। अब देखिए, इन चारों का अर्थ होता है सेम। इन चारों का अर्थ क्या होता है? सेम। जब आप लोगों ने नर्सरी क्लास में या KG1 में पढ़ा होगा अक्षर, अक्षर पढ़े होंगे आप लोग, आ ई ई उ री ए ओ ङ ह क ख ग घ ङ झ छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ ड त थ द ध न प प भ म य र ल व स स स ह अक्षत्र ज्ञ। इन सब वर्णों को आप लोग ने आप सब पढ़े हैं, उसी अक्षर को हम लोग बोलते हैं वर्ण। इन्हीं अक्षरों को क्या बोलते हैं? वर्ण। आप देखिए, वर्ण को हम लोग ध्वनि चिन्ह बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं हम लोग ध्वनि में आ, मैं बोली आ, तो ये होता है ध्वनि अ का चिन्ह आ। समझ में आ रहा है? आप देखते हैं आगे ध्वनि चिन्ह। जैसे मैं बोल देती हूँ म, तो हम लोग लिखते हैं म। जैसे मैं बोलती हूँ ध्वनि मुंह से निकाल रही हूँ य, तो हम लोग लिखते हैं य। मतलब ये क्या है? ध्वनि चिन्ह है। जो हम लोग मुख से ध्वनि निकालते हैं उसका क्या है? चिन्ह है। तो इन ध्वनि चिन्ह को भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग एक शब्द बना दिए कमल। क्या बनाए? कमल। एक शब्द बना दिए कमल। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ये अ बीच में क्यों आ रहा है? इसका अर्थ है कि इस अक्षर में अ जुड़ा हुआ है और इस अ को हम लोग हटा दिए, अतः यह अक्षर क्या हो गया? हाफ बच चुका है। अब देखिए, सब शब्द की सबसे छोटी इकाई है। एक एक इकाई से मिलकर के यह शब्द बना हुआ है, यही वर्ण है, ठीक है? तो इस शब्द में कितने वर्ण है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखते हैं उसके बाद शब्द की सब। अब उसके बाद देखते हैं, वर्ण तो हो चुका, तो वर्णों के मेल को बोला जाता है संधि। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि हम लोगों के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है स्वसंधि, सेकंड होता है व्यंजन संधि और थर्ड होता है विसर्ग संधि। फर्स्ट होता है हम लोगों का स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में अभी पढ़ेंगे। स्वर संधि का अर्थ है जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण, मतलब दो स्वर वर्ण आपस में समीपवर्ती दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, तो इस मिलने की क्रिया को स्वर संधि कहा जाता है। जब स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मेल को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मेघ प्लस आलय, मेघ प्लस आलय इक्वल मेघालय। यहाँ पर मिला अ और यहाँ पर आ, दोनों जुड़ करके क्या बन गए? आ बन गए, ठीक है? तो यहाँ पर स्वर वर्ण था, यहाँ पर भी स्वर वर्ण है, तो दोनों स्वर वर्ण जुड़ करके स्वर संधि के अंतर्गत आ बन गए हैं। अतः इसी परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? स्वर संधि। जब स्वर वर्ण आपस में जुड़ करके उसमें विकार उत्पन्न होता है या नया शब्द बनता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब सेकेंड की ओर हम लोग पहुँचते हैं, फिर स्वर संधि के प्रकारों को इसके बाद पढ़ेंगे। अब देखते हैं व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का, जब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, जब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मिलने की क्रिया को व्यंजन संधि कहा जाता है। अब देखते हैं थर्ड की ओर, विसर्ग संधि। जब विसर्ग वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण से होता है या फिर तो व्यंजन वर्ण से होता है, तो इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। अब हम लोग इन तीनों के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट की ओर फिर आ जाते हैं, स्वर संधि। जब स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मिलने की क्रिया को स्वर संधि कहा जाता है। अब देखते हैं स्वर संधि संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं और हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 5। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 8। यहाँ पर देखिए सीरियल भाई, यहाँ 5 तो क्या है? हिंदी की है। अब इसमें इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या क्या हो जाता है? संस्कृत का। ये देखिए 2 और 1 3।
ठीक है, इनको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये आठों करके संस्कृत का हो जाता है और इसी फाइव को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। तो हम लोग फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि, यही पर देखिए लिखा है दीर्घ। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। तो देखिए, जब सवर्ण, सवर्ण मतलब एक जैसा वर्ण, एक जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, जब सवर्ण, सवर्ण और स्वर वर्ण जो वो तो सवर्ण रहेंगे एक जैसा वर्ण, लेकिन वो लोग रहेंगे स्वर वर्ण, ये सब स्वर हैं, ठीक है, ये सब स्वर हैं। तो जब सवर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलकर के क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाते हैं, तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए आ प्लस अ मिलकर के क्या बनेगा? आ बनेगा, क्योंकि हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो दीर्घ ही होगा, मतलब बड़ा ही मात्रा होगा। हम लोग आ को भी जोड़ेंगे तो पर भी आ होगा, और आ को जोड़ेंगे तो पर भी आ होगा, ई और बड़ाई को जोड़ेंगे तो भी बड़ाई, छोटाई छोटाई को जोड़ेंगे तो भी बड़ाई, बड़ाई बड़ाई को जोड़ेंगे तो भी बड़ाई, छोटाऊ और बड़ाऊ को जोड़ देते हैं तो भी बड़ाऊ, और बड़ाऊ बड़ाऊ को जोड़ेंगे तो भी बड़ाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ को जोड़ेंगे तो पर भी वो क्या होगा? बड़ाऊ ही होगा। अब उसके बाद देखते हैं री वाला, तो छोटारी और बड़ारी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ारी, और बड़ारी छोटारी को जोड़ देंगे तो बड़ारी। इसका अधिकतर यूज संस्कृत में ही होता है बड़ारी का। आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल दीर्घ स्वर संधि का, किसका एग्जाम्पल? दीर्घ स्वर संधि का, मेघ प्लस आलय। यहाँ पर देखिए मेघ बोलने से अ आता है, मेघ बोलने से क्या आता है? अ आता है, मे प्लस घ, इसको हाफ कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। मेघ प्लस यहाँ पर क्या है? आलय, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं इसी का यूज कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग को ज्वाइन करना है, इधर उधर को अलग करने से कोई अभी मतलब का नहीं है। तो यही पर को देखिए जहाँ पर जोड़ अर्थात संधि हो रही है, तो देखिए घ में क्या जुड़ा है? अ, तो अ को हम लोग अलग कर देंगे तो घ क्या हो जाएगा? हाफ अक्षर हो जाएगा। अब घ में अ को हम लोग हटा दिए और यहाँ पर आलय का आलय लिख दिए, अब हम लोग जोड़ेंगे इसको दो स्वर वर्णों को अ और आ को, तो दोनों क्या जुड़ करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा इस नियम के तहत। तो अब देखते हैं मे प्लस घ प्लस आई इक्वल घा, मेघा, और लय जो बचा है उसका लय, मेघा लय। देखिए अब ये दीर्घ हो गया, यहाँ पर लघु था छोटा था अ, और यहाँ पर क्या है? बड़ा है, तो दोनों जुड़ करके क्या हो गए? बड़े हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ई वाला एग्जाम्पल, रवि, रवि मतलब आप लोग जानते होंगे सूर्य, और इंद्र, इंद्र मतलब इंद्र जानते होंगे आप लोग, भगवान इंद्र। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखते हैं र प्लस व प्लस छोटाई, र प्लस व प्लस छोटाई इक्वल रवि, ए प्लस को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। अब देखते हैं इंद्र को, इंद्र भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर इसको अलग अलग ही न द्र को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए र का रा हो गया, अरे वह है, इसमें देखिए हम लोग छोटाई और छोटाई को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ाई, छोटाई और छोटाई को जोड़ देंगे तो बड़ाई। अब हम लोग हुआ को लिख देते हैं हुआ, और हाफ हुआ है तो हुआ में ई की मात्रा डालेंगे तो फूल होकर के वी हो जाएगा रवि, और आधा ना मिले द्रह जो बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या बन गया? रविंद्र। अब छोटाई और छोटाई जोड़ करके क्या हो गया? बड़ाई। अगर अदर एग्जाम्पल पे यहाँ पर बड़ाई और बड़ाई भी रहेगा तो पर भी जोड़ करके बड़ा ही होगा, ये छोटा छोटा रहने से भी बड़ा, और बड़ा छोटा भी रहेगा यहाँ पर मात्राएं तो वो भी जुड़ करके क्या हो जाएंगी? बड़ाई की मात्रा ही होगी। अब हम लोग पहुँचते हैं गुण स्वर संधि की ओर, ठीक है, गुण स्वर संधि की ओर। तो गुण स्वर संधि का अर्थ जब अ आ के बाद, जब क्या? अ आ के बाद, जब अ आ के बाद ई आए, जब अ हो या फिर आ हो इसमें से कोई एक हो, इसके बाद ई आए, ई से इमली हो या ई से ई हो, छोटा ई हो या बड़ा ई हो, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या हो जाता है? अ ई ए, ओके, अ ई ए। अब देखते हैं सेकेंड की ओर, इसी नियम में अ या आ के बाद उ आता है या बड़ा उ आता है तो क्या हो जाता है? अ उ ओ,
यहाँ पर छोटा या बड़ा हो सकता है, यहाँ पर छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब एक और देखते हैं, आ या आ के बाद री आता है तो हो जाता है अर। क्या हो जाता है, अर। ठीक है, तो फर्स्ट की ओर हम लोग फिर देखते हैं इस नियम को सीखने के लिए। ठीक है, अ ई ए आ उ ओ अर ई अर, तीनों नियम आ गया यहाँ का गुण संधि का। अ ई ए आ उ ओ अर ई अर। ठीक है, यही पर भी आप लोगों को समझने के लिए बेस्ट तरीका है और याद रखने के लिए भी ये बेस्ट तरीका है। अ ई ए आ उ ओ अर ई अर। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल की ओर गुण स्वर संधि अ आ और ई को। महा प्लस इंद्र एग्जाम्पल है हम लोगों का ये फर्स्ट नियम के बेस पर। महा प्लस इंद्र तो ये क्या हो जाएगा, ए होता है। म और ह हाफ अक्षर हो गया और ए आ की मात्रा हो गया। अब इसके बाद देखते हैं ई का ई हो गया और जो बचा है उसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का नियम था आ प्लस ई इक्वल ए, अ ई ए था और आ ई ए भी मिल करके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो देखिए अब इसको हम लोग जोड़ करके लिखते हैं, माँ का माँ हो गया और हा में एक ही मात्रा क्या हो गया, हे। ओके, और यहाँ पर क्या बचा है, आधा ना मिले द्रह महेंद्र। ओके बस, इसका आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको दिखाऊंगी और ये आप लोगों के 6 से लेकर के 12 क्लास तक काम आएगा और हो सके आगे संधि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो पर भी संधि में ही काम आएगा। 6 से लेकर के 12 और आगे पढ़ेंगे तो पर भी ये काम आने वाला है। इसका आगे का वीडियो आप लोग बाद में देखेंगे। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।